बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक का यूनिट 7 द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। यूनिट 7.1 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक्सरसाइज 1 है, द किंग आस्क्ड द फॉलोइंग पीपल द 3 क्वेश्चंस। हाउएवर, द ऑर्डर इन विच दीज पीपल वर आस्क्ड इज जंबल्ड अप। रीड द टेक्स्ट एंड पुट देम इन द राइट ऑर्डर by writing the number in the blank space. One has been done as an example for you. बादशाह ने जिस तरह लोगों से सवाल किया था, उनको ये जंबल करके उन्होंने लिखा है। हमें लाइन से लिखना है कि सबसे पहले किससे सवाल किया था, उसके बाद किससे। तो नंबर 1 इन्होंने कर दिया है, किंग हिमसेल्फ। उसके बाद नंबर 2 पे उसने अपने मिनिस्टर से पूछा था। तीसरे नंबर पे उसने अपने कॉर्टियर से, दरबारियों से पूछा था। नंबर 4 पे वो स्कॉलर्स और वाइसमैन, उनसे मालूमात हासिल की थी। नंबर 5 पे है कॉमन पीपल, आम लोगों से सवाल पूछा था। और आखिरी में सेंट या जो बुज़ुर्ग थे सूफी, उनसे पूछा था। एक्सरसाइज 2 है, डिड द किंग फाइंड हिज आंसर्स। द आंसर है येस, द किंग फाउंड हिज आंसर्स। बादशाह को सवालों के जवाब मिल गए थे, जी हाँ मिल गए थे। हु गेव हिम द आंसर्स, द सेंट हु लिव्ड इन द जंगल गेव हिम द आंसर्स। सेंट, जो बुजुर्ग जंगल में रहते थे, उन्होंने जवाब दिए थे। एक्सरसाइज 3 है, रीड द टेक्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस एंड अंडरलाइन देम। बुक में अंडरलाइन करना है इन अल्फाज को ढूंढ कर। वर्क विथ योर पार्टनर एंड गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अपने पार्टनर के साथ बराबर बैठे हुए जो भी पार्टनर हो उससे गेस करें, सोचें खुद से कि ये वर्ड्स की मीनिंग क्या हो सकती है। देन चेक द मीनिंग गिव इन द ग्लोसरी एट द एंड ऑफ द बुक। उसके बाद आखिर में बुक के आखिरी में जो मीनिंग दी है उसे मिला के देखें कि आपने सही लिखा है या नहीं। एक्सरसाइज 4 है, वर्क इन पेयर्स एंड सी हाउ मेनी ऑफ द गिवन वर्ड्स इन एक्सरसाइज 3 यू कैन यूज़ इन योर ऑन सेंटेंसेस। उसके बाद इनमें से जुमले बनाने इन वर्ड्स के। द पेयर हु विल मेक द मोस्ट करेक्ट सेंटेंसेस विल बी द विनर। कौन सा मुकाबला हो रहा है ये नहीं मालूम, अचानक मुकाबला शुरू हो गया और विनर भी उनमें से जो ज़्यादा बनाएगा, जो पेयर या सही जुमले बनाएगा वो जीतेगा। पहला है हमारा डिस्कवर, इसका मतलब है दरियाफ्त करना, फाइंड आउट। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर सेवरल न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। साइंसदान पौधों की कई नई अकसाम दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। Evaded, बचना, निकल जाना, not come within reach. The criminal evaded the police for many months. मुजरिम कई महीनों तक पुलिस की दस्तरस से बचता रहा। फिर है disappointed, मायूस, disheartened. The captain was disappointed after his team lost the game. कप्तान अपनी टीम के मैच हारने के बाद मायूस हो गए। फिर है consult, रुजू करना, मशवरा लेना। Go to someone for advice. द मैनेजर ऑफ द कंपनी नीडिड टू कंसल्ट विद एन अटॉर्नी। कंपनी के मैनेजर को किसी वकील से मशवरा करने की ज़रूरत थी। पॉन्डर्ड, गौर करना, थिंक केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर डिसाइडिंग। गौर व फिक्र करना। सारा पॉन्डर्ड ओवर हिज लेटर एंड देन रिप्लाइड। सारा ने उसके खत पर बहुत गौर करके फिर जवाब दिया। डेस्टिट्यूट, बेसहारा, मोहताज, वेरी पुअर। द वुमेन फाउंड अ डेस्टिट्यूट ओल्ड मैन एट हर डोर। औरत ने अपने दरवाजे पे एक बेसहारा बूढ़े आदमी को पाया। फ्रीक्वेंटली, कसरत से, अक्सर, वेरी ऑफ्टन। ही फ्रीक्वेंटली डोनेट्स लार्ज सम्स टू चैरिटी। वो अक्सर खैरात में बड़ी रकम अतिया करता है। या फिर शी फ्रीक्वेंटली कंप्लेन्स अबाउट द सेम प्रॉब्लम। वो अक्सर एक ही मसले की शिकायत करती रहती है। फिर है डिटरमेंट, पुरअज़्म, मजबूत, साबित कदम। नो चेंजिंग अ डिसीजन, नॉट चेंजिंग अ डिसीजन वंस मेड। आई एम डिटरमेंट टू गिव अप स्मोकिंग। मैं तंबाकू नोशी तर्क करने के लिए पुरअज़्म हूँ। ग्लैंस्ड, सरसरी नज़र डालना, गिव अ क्विक लुक। ही ग्लैंस्ड एट द लेटर एंड देन टॉस्ड इट इनटू द ट्रैश बिन। उसने खत पर सरसरी नज़र डाली और फिर उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। स्ट्रेट अवे, उसी वक्त, बगैर ताखिर के या फौरन, इमीडिएटली। आई रोट हिम अ लेटर एंड पोस्टेड इट स्ट्रेट अवे। मैंने उसे खत लिखा और उसे फौरन पोस्ट कर दिया।
हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी या ख़ातिरदारी, ट्रीटिंग गेस्ट इन अ जेनरस एंड वेलकमिंग मैनर। माई ग्रैंड मदर इज़ वेल नोन फॉर हर हिज हॉस्पिटैलिटी। मेरी दादी अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। ब्रेक ऑफ डे, डॉन, तुलुए सुबह या दिन निकलते ही या पो फटते ही, द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एट ब्रेक ऑफ डे वी अराइव इन द सिटी। अगली सुबह पो फटते ही हम शहर जा पहुँचे, या अगली सुबह दिन निकलते ही हम शहर जा पहुँचे। फिर है बिटर, तल्ख या तुर्श, फीलिंग ग्रेट डिसलाइक और एंगर, शी हैज़ बिकम क्वाइट बिटर आफ्टर नॉट गेटिंग अ जॉब। नौकरी ना मिलने पर वो काफ़ी तल्ख हो गई। ग्रीफ्स, गम, रंज या सदमा, डीप सैडनेस, द डेथ ऑफ हर सन सेंट द ओल्ड वुमेन इन टू ग्रीफ। बेटी की मौत ने बूढ़ी औरत को गम में मुब्तला कर दिया। फिर है काउंट ऑन, भरोसा कर लेना, डिपेंड ऑन, यू कैन नॉट काउंट ऑन साजिद बिकॉज ही इज़ टू इरिस्पॉन्सिबल। तुम साजिद पर एतमाद नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गैर जिम्मेदार है। फिर है डिपार्टेड, रवाना होना या चले जाना, लेफ्ट, द ट्रेन डिपार्टेड द स्टेशन ऑन टाइम, ट्रेन वक्त पर स्टेशन से रवाना हुई। एक्सरसाइज 5 है, द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोरी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, रीड देम एंड राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज द स्टेटमेंट इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। ट्रू और फॉल्स बताना है हमें, बुक से हैं ये स्टेटमेंट इनके बारे में कि ये सच है या झूठ। तो टी लिखना है ट्रू को और फॉल्स को एफ। ए है द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आंसर्स टू 5 क्वेश्चन, फॉल्स है। बी है द आंसर्स वर इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू बी एबल टू कंट्रोल हिज आर्मी, ये भी फॉल्स है। कंट्रोल नहीं करना चाहता था अपनी आर्मी को। द किंग वॉज लुकिंग फॉर द आंसर्स इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, ये ट्रू है। द किंग वॉज हैप्पी विद द आंसर्स दैट द ग्रुप ऑफ लर्न मैन फाउंड, एफ आई का इसमें गलत है ये। द सेंट वॉज लिविंग इन द जंगल वॉज हिज फैमिली विथ हिज फैमिली, सेंट जो था अपनी फैमिली के साथ जंगल में नहीं रहता था, ये भी गलत है। द किंग एक्सेप्टेड द सेंट्स इन्विटेशन टू विजिट हिम इन द जंगल, तो ये भी गलत है, एफ आएगा, क्योंकि कोई इन्विटेशन नहीं भेजा था सेंट ने। द बियर्डेड मैन वॉन्टेड टू किल द किंग, ट्रू है ये। द बियर्डेड मैन हैड बीन इंजर्ड बाय द किंग्स सर्वेंट्स, ये भी ट्रू है। द सेंट आस्क द किंग टू लुक आफ्टर द बियर्डेड मैन, ये फॉल्स है, सेंट ने नहीं कहा था दाढ़ी वाले आदमी की देखभाल के बारे में, नहीं कहा था इस किंग को। द बियर्डेड मैन बिकेम द किंग्स लॉयल सिटीजन, ये ट्रू है, वो आखिर में उनका वफादार बन गया था। एक्सरसाइज 6 से वर्क विद अ पार्टनर एंड टिक द राइट आंसर्स, आंसर करेक्ट आंसर को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइज द स्टोरी, तो ये कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट जो कहानी है उसका खुलासा बयान करता है इनमें से। तो इसका ए आएगा द प्रेजेंट हैज़ ऑल द आंसर्स, कि जो हाल है उसमें तमाम जवाबात मौजूद हैं, और ये खुलासा बताना है कि पूरे सबक का खुलासा किस स्टेटमेंट में आता है। ये जो है आंसर, द प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो ये बादशाह के सवाल का जवाब था, ये पूरे सबक का खुलासा इसमें नहीं आता कि प्रेजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, इसमें सारे सवालों का या पूरे उसका सबक का खुलासा आ जाएगा कि सब कुछ हर सवाल का जवाब प्रेजेंट में मौजूद है। फिर है द सेंट हु लिव्ड इन द जंगल वाज वेरी वाइज मैन, था वो बहुत अकलमंद था। द किंग वेंट टू सी द सेंट ऑल अलोन, बादशाह अकेला गया था सेंट से मिलने। हु वॉन्ट द किंग दैट द बियर्डेड मैन वाज कमिंग, किसने बादशाह को बताया था कि दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है, तो वो सेंट था, सूफी जो थे या बुजुर्ग जिन्होंने उन्होंने इशारा किया था। आफ्टर द बियर्डेड मैन लेफ्ट द सेंट, सेंट टोल्ड द किंग दैट, बियर्डेड मैन जब चला गया तो बुजुर्ग ने बादशाह को बताया ऑल हिज क्वेश्चन हैड बीन आंसर्ड, कि उसके तमाम सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं।
फिर एक्सरसाइज 7, रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। पहला है, द किंग वॉन्टेड टू फाइंड द आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चंस बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। द वाइज एंड लर्न मैन वर अनएबल टू गिव द आंसर्स बिकॉज देयर आंसर्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे डिड नॉट इवन एग्री विथ ईच अदर्स आंसर। जो वाइस मैन अकलमंद और जहीन और आलिम फाजिल लोग बादशाह ने बुलाए थे, वो जवाब क्यों नहीं दे सके? क्योंकि उनके जवाब आप एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और वो ख़ुद भी एक दूसरे के जवाब से मुत्तफिक नहीं थे। सी है, द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स टू मीट द सेंट बिकॉज बादशाह ने पुराने कपड़े पहन के क्यों गया सेंट के पास? बिकॉज द सेंट डिड नॉट लाइक टू मीट रिच पीपल, क्योंकि वो अमीर लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। फिर है, द किंग टोल्ड हिज सर्वेंट्स नॉट टू गो विथ हिम बिकॉज ही वॉन्टेड टू अपीयर पुअर एंड डेस्टिट्यूट, क्योंकि वो खुद को गरीब और मोहताज जाहिर करना चाह रहा था। अगर नौकरों की फौज के साथ जाता तो ये काम नहीं होता। द किंग रियलाइज्ड द सेंट्स टायर्ड ईजीली बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही वॉज ब्रीथिंग हार्ड। बादशाह को ऐसे पता चला कि जो सेंट है बहुत थक गया है, क्योंकि वो बूढ़ा था और कमज़ोर था और काम करते वक्त उस बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। एफ ए, ऑल्दो द सेंट डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस, द किंग वेटेड बिकॉज सेंट ने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन बादशाह रुका हुआ था क्योंकि ही होप डेट ही वुड गेट ऑल द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन सून, क्योंकि बादशाह को उम्मीद थी कि जल्दी उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। द बियर्डेड मैन वॉज रनिंग टूवर्ड द किंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग। द बियर्डेड मैन फेंटेड वेन ही रीच द किंग बिकॉज ही वॉज बैडली वॉन्डेड। जो बियर्डेड मैन था बादशाह के पास पहुँच के बेहोश हो गया, क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी था। द किंग एग्रीड टू स्टे द नाइट इन द सेंट्स हट बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड टू रिटर्न होम। द बियर्डेड मैन बिकेम द किंग्स लॉयल सर्वेंट बिकॉज वेन ही वॉज वॉन्डेड द किंग टुक केयर ऑफ हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ। वो इसलिए बादशाह का वफादार बन गया क्योंकि जिस वक्त वो ज़ख्मी था बादशाह ने उसकी देखभाल की और उसकी जान बचाई। यूनिट 7.3 है, लैंग्वेज प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 1 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू उर्दू और सिंधी। राइट द ट्रांसलेटेड sentences in your notebook. After completing, share your work with your partner. Make any changes needed and write the sentences. तो इनका ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में या सिंधी में। तो नंबर 1 है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 7 o'clock. ट्रेन स्टेशन से 7 बजे रवाना हुई। आई कैन ट्रेन यू टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, मैं आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनने की तरबियत दे सकता हूँ। There is plenty of light in this room. इस कमरे में काफ़ी रोशनी है। Please light all the candles on the cake. बराए करम केक पर तमाम मोमबत्तियाँ रोशन कर दें। जमाल ऑफर टू बुक आवर सीट्स ऑन द बस। जमाल ने बस में हमारी सीटें बुक कराने की पेशकश की। हैव यू सीन माई न्यू बुक, क्या आपने मेरी नई किताब देखी है? द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टेट देयर रीजन्स फॉर बींग लेट। प्रिंसिपल ने तलबा से कहा कि वो देर से आने की वजूहात बताएं। द स्टेट शुड इंश्योर दैट ऑल पीपल फॉलो द रूल्स, रियासत इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम लोग कवायद पर अमल करें। दिस इज़ एग्जैक्टली माई पॉइंट दैट वी शुड लीव अर्ली, दरअसल यही तो मेरा नुक्ता है कि हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट पॉइंट एट पीपल वेन यू आर स्पीकिंग अबाउट देम, जब आप लोगों के बारे में बात कर रहे हों तो उनकी तरफ इशारा ना करें। माई ब्रदर गॉट द फर्स्ट रैंक इन हिज फाइनल टेस्ट, मेरे भाई ने अपने आखिरी टेस्टों में पहला नंबर हासिल किया है। द रैंक ऑफ अ सोल्जर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, सिपाही का दर्जा बहुत से अवामिल पर मुनहसर होता है। फिर ट्रांसलेट लिटरली द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस इन टू उर्दू और सिंधी। तो इसका लफ्जी तर्जुमा करना है हमें। शी हैज़ अ स्वीट टूथ, उसके पास मीठा दांत है। द न्यूज़ इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स, ये खबर मेरे कानों के लिए मौसीकी है।
लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी असल में? द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस इज एज फॉलो, नाउ ट्रांसलेट दीज टू सेंटेंसेस। तो इसकी मीनिंग, शी हैज़ दैट स्वीट टूथ, तो शी लव स्वीट थिंग, यानी उसे मीठा पसंद है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, वो मीठी चीज़ें पसंद करती है। और द न्यूज़ इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। इसका जो असल में जो है एक्चुअल मीनिंग है, आई एम वेरी प्लीज टू हेयर दिस न्यूज़, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई है। तो जब भी हम तर्जुमा करते हैं, हमें उसका लफ्जी तर्जुमा नहीं करना होता, बल्कि उसका एक्चुअल जो बात जो बोल रहे होते हैं वो तर्जुमा करना होता है। लिटरली तो कुछ भी हो सकता है और वो सही नहीं होता, तो हमें एक्चुअल मीनिंग उसकी समझ के लिखनी होती है। एक्सरसाइज टू है, वर्क इन पेयर्स एंड ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू उर्दू सिंधी। उर्दू या सिंधी में इनकी ट्रांसलेट करना है, सच दैट यू ब्रिंग आउट देयर रियल मीनिंग। अब आपको उसका असल जो मीनिंग है वो बतानी है, लिटरली नहीं बतानी। लफ्ज़ी कुछ भी हो सकती है, लफ्ज़ी हम पढ़ेंगे तो वो सही जुमला नहीं बनेगा, तो हमें उसकी रियल मीनिंग बतानी है। द सन पीक्ड हैप्पीली फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। अब अगर इसका लिटरली मीनिंग देखेंगे तो जो सूरज है झांक रहा है खुशी से बादलों के पीछे से, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग हमें लिखनी है, तो सूरज बादलों के पीछे से नमूदार हुआ। फिर है द ट्रीज डांस्ड बैक एंड फोर्थ इन द विंड। दरख्त हवा में आगे पीछे झूम रहे थे। इट वॉज टाइम टू गो होम बट द बेल रिफ्यूज टू रिंग। घर जाने का वक्त था लेकिन घंटी नहीं बजी। द एंग्री स्काई रोड एंड थ्रू लाइटनिंग अराउंड। आसमान पर गरज हुई और बिजली गिर गई। द डिलीशियस स्मेल ऑफ पुडिंग पुल्ड मी टू द किचन। खीर की लजीज खुशबू मुझे किचन में ले गई। आई कैन सी दैट न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली। मैं देख सकता हूँ कि खबरें तेज़ी से फैलती हैं। आई विश यू आर नॉट ऑलवेज सच अ चिकन। काश तुम हमेशा ऐसे बुजदिल ना होते। द किड्स एट द स्कूल आर ऑल ब्रेन्स। इस स्कूल के बच्चे जहीन हैं। यू आर माई गार्डियन एंजल। आप मेरे मुहाफिज फरिश्ते हैं। आई हैव बीन ऑन क्लाउड 9 ऑल डे। मैं सारा दिन बहुत खुश रहा हूँ। फिर है प्रीफिक्सेस कंटिन्यूड। प्रीफिक्सेस पहले भी कर चुके हैं, तो आगे ये हमें फिर से पता करवा रहे हैं कि समटाइम्स एट अ पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एज डिस्कस इन यूनिट 4.3। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। तो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाई यूजिंग द प्रीफिक्स अन विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। तो अन यूज़ करना है इन लफ्स जो दिए गए हैं वर्ड्स, और ब्लैंक भरनी है। एन अनहेल्दी पर्सन ऑफन फील्स फॉल्स सिक। सबा इज़ वेरी अनफ्रेंडली एंड डज नॉट लाइक मीटिंग पीपल। पीपल हु आर अनग्रेटफुल नेवर थैंक अदर्स फॉर हेल्पिंग देम। ब्रदर वॉज वेरी अनहैप्पी बिकॉज ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच। माई अंकल टुक एन अनवाइज डिसीजन ड्यू टू विच ही सफर्ड अ बिग लॉस। अब यहाँ पे यूज़ करना है प्रीफिक्स इन। द स्मॉल बॉय इज़ वेरी इनएक्टिव एंड डज नॉट टेक पार्ट इन एनी वर्क। द जज वॉज अपसेट विद द प्रिजनर फॉर गिविंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू द कोर्ट। डोंट लीव योर वर्क इनकम्प्लीट और द बॉस विल बी एंग्री। साजिद इज वेरी अनअटेंटिव इन क्लास, हैंस ही ऑफ्टन फेल्स इन द टेस्ट। दिस अमाउंट ऑफ मनी इज अनसफिशियंट इफ यू वॉन्ट टू बाई अ न्यू कंप्यूटर। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाई यूजिंग द प्रीफिक्स डिस। अब यहाँ डिस यूज करना है हमें। वर्ड हैं सेटिस्फाइड ओबीडियंट ऑनेस्ट लॉयल और एग्री। नंबर वन है वी समटाइम डिसएग्री इवन विद आवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। फिर है वी कैन नॉट ट्रस्ट डिसऑनेस्ट पीपल एज दे कैन चीट अस। अ डिसओबीडियंट चाइल्ड कैन काज मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द होल फैमिली। नंबर फोर है आवर टीचर वॉज डिससेटिस्फाइड विद आवर परफॉर्मेंस इन द कंपटिशन। नंबर फाइव है वी शुड नेवर बी डिसलॉयल टू आवर कंट्री। फिर है यूनिट 7.5 स्टडी स्किल्स। एक्सरसाइज वन है फर्स्ट रीड द पोएम गिवन बिलो साइलेंटली। पोएम को पढ़ना है खामोशी से।
फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड फिल देम इन द फर्स्ट टू कॉलम्स इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे टेबल में पोएम से देखकर राइमिंग वर्ड्स फिल करने हैं। देन थिंक ऑफ टू अदर वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम इन द नेक्स्ट टू कॉलम्स। और बाकी दो में खुद से हमें राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। पहला इन्होंने कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। रिमेंबर राइमिंग वर्ड्स में हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट सिमिलर साउंड। तो राइमिंग वर्ड की सिर्फ साउंड सिमिलर होती है, मीनिंग कुछ भी हो सकती है, इसकी डिफरेंट होती है। अब ये हैं राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, फिर एडिशनल राइमिंग वर्ड्स। तो पहला है इंक्रीज, पीस, चीज और गीस। और टू है रूम, ब्लूम, ग्लूम, डूम। थ्री है गोल्ड, बोल्ड, कोल्ड और फोल्ड। फोर पे है सैड, हैड, शेड और रेड। नंबर फाइव पे अकॉर्ड, लॉर्ड, कॉर्ड और बोर्ड। सिक्स पे है सो, लो, ब्लो और फ्लो। सेवन है देन, मैन, व्हेन, अगेन। नंबर एट पे है नाइट, लाइट, राइट और फाइट। नाइन पे है ब्लेस्ड, रेस्ट, टेस्ट और बेस्ट। ये था हमारा यूनिट सेवन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।